नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। भोपाल में पुलिस ने लूट के दो शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 6 नवंबर को म्यूजिकल फाउंडेशन के सामने मार्केटिंग का काम करने वाले भरत उदासी से मोबाइल लूट लिया था। सीहोर जिले के रहने वाले खिजर मोहम्मद सरेज नाम के आरोपियों से लूटा हुआ मोबाइल घोड़ा नक्काश इलाके में प्रकाश मोबाइल शॉप पर बेचा था। पुलिस ने मोबाइल बरामद करते हुए दुकान के मालिक को भी हिरासत में ले लिया और सभी से पूछताछ कर रही है। हमने रिपोर्ट की थी भरत उदासी फरियादी ने कि नीलम पार्क के पास से उसका आईफोन 8 मोबाइल को लूटा गया है। इस लूट के केस में जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें पाया गया कि लूट की घटना वास्तविक रूप से नहीं हुई थी, एक फ्रॉड का केस है। इस फ्रॉड में आरोपियों को ज्ञात था कि फरियादी के पास आई एक फोन है और फरियादी इस फोन को बेचना चाहता है। एक आरोपी खिजर ने मोबाइल से संपर्क किया फरियादी से, फरियादी के साथ मीटिंग की और फरियादी के साथ नीलम पार्क पे आए। मोबाइल फोन की कीमत लगभग 50,000 रुपये की थी। दोनों आरोपी खिजर और शरबत ये मोबाइल फोन अपने साथी को दिखाने के नाम पर उन्होंने प्राप्त किया फरियादी से और मोबाइल को लेकर गायब हो गए। फरियादी के कॉल डिटेल्स के आधार पे जो उनकी बातचीत हुई थी उसके आधार पे आरोपी खिजर को और सर्वर को सर्वेश को गिरफ्तार किया गया है। इस केस में क्योंकि मोबाइल के बिल की आवश्यकता थी, इन लोगों ने जवाहर चौक की प्रिंटिंग प्रेस से एक कैश मेमो तैयार कराया। उस कैश मेमो में एक साहिल इनका साथी है, साहिल के नाम से कैश मेमो भरा। उस कैश मेमो को आधार बना के, बिल को आधार बना के इन्होंने फर्दर घोड़ा नक्काश में उस मोबाइल को 43,000 रुपये में बेचा। 43,000 रुपये में से 10,000 रुपये कैश दिए गए, बाकी बची हुई रकम का इनको दूसरा मोबाइल इन्होंने खरीदा। इस प्रकार से लूट के केस में इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये 420, 406, 467, 468 और 471 यानी कि फर्जी दस्तावेज बना के उनका उपयोग करना, इन सेक्शंस में केस को चेंज किया गया है और आरोपी खिजर और सर्वर को गिरफ्तार करके इसमें चार्जशीट किया जा रहा है। एक आरोपी फरार है साहिल, जिसकी गिरफ्तारी की जाएगी। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। इसी के साथ बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज।